23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। एक समय था जब भारत के पास जरूरी तकनीक नहीं थी, सहयोग भी नहीं था, हमारी गिनती थर्ड वर्ल्ड यानी थर्ड रो में खड़े देशों में होती थी। थर्ड वर्ल्ड थर्ड रो में खड़े हुए लोगों में होती थी। वहां से निकलकर आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रो में खड़े देशों में हो रही है, यानी थर्ड रो से फर्स्ट रो तक इस यात्रा में इसरो इसरो जैसी संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपने आज मेक इन इंडिया को चांद तक पहुंचा दिया है। मेरे परिवारजनों, मैं आज आपके बीच आकर विशेष तौर पर देशवासियों को आपकी मेहनत के बारे में बताना चाहता हूं। जो मैं बातें बता रहा हूं वो आपके लिए नई नहीं है, लेकिन आपने जो किया है, जो साधना की है, वो देशवासियों को भी पता होना चाहिए। भारत के दक्षिण हिस्से से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक चंद्रयान की ये यात्रा आसान नहीं थी। मून लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसरो की रिसर्च फैसिलिटी में आर्टिफिशियल मून तक बना डाला। इस आर्टिफिशियल मून पर विक्रम लैंडर को अलग अलग तरीके से सरफेस पर उतारकर उसका टेस्ट किया गया था। अब इतने सारे एग्जाम देकर हमारा मून लैंडर वहां गया है तो उसे सक्सेस मिलनी ही मिलनी थी। हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए एक और निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए
प्रेरित करता रहेगा। मेरे परिवारजनों, आप भी जानते हैं कि स्पेस सेक्टर का जो सामर्थ्य है वो सैटेलाइट लॉन्च करने या अंतरिक्ष की खोज से कहीं ज्यादा बड़ा है। स्पेस सेक्टर की एक बहुत बड़ी ताकत है जो मैं देखता हूं, वो है ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ गवर्नेंस। आज देश में स्पेस एप्लीकेशंस को गवर्नेंस के हर पहलू से जोड़ने की दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है।